बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां मूंग की कटाई के 4 माह बीत जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी प्रारंभ की, जिसने भी FAQ के नाम पर किसानों की मूंग सर्वेयर द्वारा रिजेक्ट की जा रही है। इस बात से परेशान होकर किसानों ने नसरुल्लागंज इंदौर रोड के ग्राम रिझाड़िया के पास चक्का जाम कर दिया है। किसानों का कहना है कि मूंग की हमने 2 बार ग्रेडिंग करने के बाद वेयर हाउस ले गए, उसके बाद भी हमारी मूंग को रिजेक्ट कर दिया गया, अब हम क्या करें। गुस्साए किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली रोड पर लगाकर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं मीडिया द्वारा बात करने पर किसानों ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही हम वेयर हाउस के सामने लाइन लगाकर खड़े रहे, शाम को हमारी ट्रॉली रिजेक्ट कर दी गई। लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते किसान रोड पर धरना देकर बैठे हैं। जब तक प्रशासन किसानों की मूंग को नहीं खरीदेगा, किसान यहीं पर धरना देंगे। घंटों चक्का जाम रहने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर पहुंचे और सभी की किसानों की मूंग देखी और आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग चक्का जाम को समाप्त कीजिए, सुबह मैं आप लोगों की मूंग तुलवा दूंगा, तब कहीं जाकर किसान माने और उन्होंने चक्का जाम समाप्त किया। कैसे बिक रहा होगा, साफ सुथरा माल है, फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, पूरी धांधली चल रही है। कहाँ से करा आपका, कहाँ से करा रिजेक्ट? हर जगह पे यही हो रही है। आपका नंबर है? रोहित पवार। कहाँ? ग्राम रिछाड़िया का रहवासी हूँ। किस बात को लेकर आप धरने बैठे? हम मूंग तुलाई के लेकर धरने पर बैठे हैं। तो क्या समस्या रही? समस्या यह है कि अभी तक जो माल तुला था, तुल रहा था, धांधली चल रही है, हर जगह धांधली चल रही है। और आप देख ही रहे, मामा की विधानसभा में किसान ऐसे सड़कों पर बैठे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री की विधानसभा में अगर यह हाल है तो दूसरी जगह और किसानों के क्या हाल होंगे, आप खुद देख सकते हैं स्वयं। तो इस बात के लिए आपने अधिकारियों को अवगत करवा दिया जी? समस्या जी, SDM साहब को कॉल कर दिया था हमने, उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। प्रशासनिक अमले में एक गाड़ी खड़ी है। तो अभी जैसे जिस प्रकार आपकी जो समस्या है, अगर पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? धरना चलेगा, बैठे हैं हम तो, सुबह 5 बजे से भूखे प्यासे आए हैं, तो ये 5 बजे हम 5 दिन में निकाल सकते हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहे। का नाम बताइए? कमलेश शर्मा। कहाँ के निवासी है? मंडी। अभी जो आप धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? मूंग तुलाई के लिए बैठे हैं, मूंग लेके आए, सुबह 5 बजे लाइन से लगे हैं। लगभग 70 ट्राली थी, 70 में से 70 ही रिजेक्ट कर दी, एक भी ट्राली पास नहीं। अगर किसी में कचरा हो, मिट्टी हो, तो 1-2-4 ट्राली कैंसिल करें। क्या कारण बताया इसके पीछे उन्होंने? मिट्टी धार रख के लाओ, मूंग के बराबर मिट्टी का किसान बीन के लेके आएगा क्या? मूंग के बराबर मिट्टी तो रहेगी, उसको कैसे बाहर निकाल सकता किसान? फिर अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, कल तक जो मूंग सभी लोगों का तुला, आपका तुला है, उसमें कचरा मिट्टी सब तुला है, लेकिन अब हम लोगों का नंबर आया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा माल नहीं तुलना है? आज से प्रतिबंधित कर, आज से प्रतिबंधित कर दिया यार, कल से प्रतिबंधित किया शाम से। जब माल एक ही सरकार खरीद रही तो एक जैसा सब लोगों, सब किसानों को एक जैसा माल खरीदना चाहिए था ना पहले दिन से। ये सब पहले दिन से शेड्यूल बनाना था उनको कि ऐसा माल तुलना चाहिए। अभी जिस प्रकार आप यहाँ बैठे हैं, तो अधिकारियों से कोई SDM है या इनसे बात की? आपको फोन कर दिया था, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा बैठो धरने पे, अभी बात अच्छी बात है, बोले बैठो। SDM ने खुद ने बोला, अभी बात बोला धरने पे बैठो, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। चलो वैसे बाढ़ प्रभावित